वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लेना। आज हम करने जा रहे हैं टू साइड हेयर कट। आप देख लो दोनों साइड हमारा सेक्शन निकल चुका है, दोनों साइड सेक्शन ऑलरेडी निकला हुआ ही था सेक्शन, तो मैंने उस पर ही हमें काम वर्क करना है बस। ठीक है, काम भी बोल सकते हो, वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो। तो सबसे पहले दो नंबर लगा लेंगे। देखो दो नंबर में कैसे लगा रहा हूँ आज आपको, बिल्कुल बैक वी आपने देख ही लिया होगा, पहली बार तो आपने पेज पे फ्रंट पे ही देख लिया होगा, बैक हम वी रखने वाले हैं। तो ये आपको कैसे करना है वो चीज़ आप देख लो, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ अच्छे से। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, बस ध्यान से देखना यार चीज़। देखो बिल्कुल आज बिल्कुल और ज़्यादा बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ ये बालों को मिक्स कैसे करते हैं। साइड में जरा सी भी कोई भी कमी दिखती है, बाल कहीं से ज़्यादा दिखता है, जैसे मैं बताता रहता हूँ बाल कहीं से डार्क दिखता है जीरो में, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करनी है। ठीक है, दोनों तरफ सबसे पहले दो नंबर लगा लेना। जैसे दो नंबर में लगा रहा हूँ ऐसी आपको लगानी है, देख लो आप, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसी लगानी है। दोनों साइड बराबर रखना है हमें, बिल्कुल बराबर, ना इधर ज़्यादा ना कम, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, देख लो। क्योंकि हमारा जब हम बिल्कुल बराबर रखेंगे ना यार जीरो में ना, बराबर ज़रूरी है, क्योंकि जीरो में जब हम बराबर रखेंगे ना, जब भी हमारा परफेक्ट एक एंगल और एक वी आएगा, प्रॉपरली वी में देने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से ही मैं चलूँगा। आपको दिखाऊँगा भी कि मैंने कैसे रखा है बैक का, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए कि मैंने बैक पर कितना वी रखा और कैसे रखा है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी देखना। ठीक, सबसे पहले देखो मैंने दो नंबर मान लिया, अच्छे से दोनों तरफ चेक कर लेना दोनों तरफ बराबर है, और ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो इतना रखा है, देखने में बहुत अजीब लगेगा ऐसे नॉर्मली, मगर जब ये हमारा प्रॉपरली पूरा होगा ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप देख लो वेगा का ट्रिमर है, बहुत सस्ता, 500-600-700 रुपये तक, 500 से 700 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। वेगा ट्रिमर है, बहुत अच्छा ट्रिमर है, मैं कहता हूँ जेनमैन, एक नंबर, मज़ा आता है इसे चलाने में यार। वो तो आपको पता ही, चाइनीज़ हो या जैसा भी हो मुझे तो नहीं पता, मगर जो कंपनी है इसकी वेगा है, मगर अच्छा है यूज करने के लिए, बहुत अच्छा है। चले तो तुम्हें पता ही भाई, चलता है तो अच्छा चलता है, नहीं चलता ही नहीं है, मगर हमारे पास तो जो भी ट्रिमर मैं यूज करता हूँ अच्छा ही चलता है जो भी हम लाते हैं। तो वेगा का ट्रिमर ज़रूर एक बार ट्राई करना, किसी के पास अगर दिक्कत है तो, अच्छा चलता है वेगा का भी। ठीक है, वेगा का भी अच्छा चलता है, और गिमी का है ना, गिमी का भी अच्छा चलता है। तो सबसे पहले मैं देखो जीरो मार लूँगा, कितना मार रहा हूँ, चाहे तो आप यार पूरा ही क्लीन कर सकते हो। देखो मैं पूरा में तो खाली एक, वैसे ही बहुत टाइम हो गया था कुछ ऐसे बना करो, बाद में नीचे का जीरो करूँगा। ठीक है, तो मैं पहले हल्का हल्का काट रहा था, चाहे तो आप पूरा निकाल सकते हैं एक बार में नीचे से ऊपर तक का। ठीक है, जहाँ तक मैंने वी बनाई वहाँ से पूरा जीरो कर सकते हैं आप नीचे का, थोड़ा सा मैं लास्ट में करूँगा तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, मगर अभी कर दूँगा यार ये पूरा सेट करने के बाद, पूरा भी क्लीन कर दूँगा थोड़ी देर में। बस आप ये ध्यान देना कि मैं मिक्स कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोनों तरफ लाइन बना लेनी है बराबर, और ये सामने वाला फ्रंट की चीज़ समझनी है। मैंने देखो कितनी छोड़ रखी है, कितनी नीचे तक छोड़ रखी है सामने वाली फ्रंट वाली, जीरो मैंने कहाँ तक मारी है, ये चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, बहुत नीचे ही मारी है मैंने, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाया ये चीज़ मैं, क्योंकि एक नंबर को हम ऊपर लेके चलने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाई। जो हमारी मिक्सिंग आएगी वो एकदम परफेक्टली आएगी और अच्छे से हो जाएंगे हमारे बाल जो मिक्स होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको देख लें। देखो मैंने एक नंबर कितना मारा, ये भी मैं आपको फिंगर रख के दिखाने वाला हूँ, एक फिंगर। ठीक है, एक फिंगर से थोड़ा सा ही ज़्यादा आप मान सकते हो इसे। ठीक है, वरना एक फिंगर भी काफ़ी होता है, एक फिंगर ही आप समझ लो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी है हमें बालों को मिक्स करने के लिए। इतनी स्पेस, जंगे जिसे स्पेस बोलते हैं, मैं स्पेस भी बोल देता हूँ, जंगे भी बोल देता हूँ। ठीक है, इतनी जंगे हमें काफ़ी है हमें सेट करने के लिए। तो हमें दोनों तरफ देख लेना है, दोनों तरफ बराबर ही करते चला जाना है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, सबसे पहले दो नंबर, उसके बाद मैंने नीचे जीरो मार दी। ठीक है, पूरे में आप जीरो मार सकते हो, जैसे मैंने छोड़ रखा है, छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर छोड़ना चाहते हो वैसे ही तो छोड़ भी सकते हो, मगर कर देना यार क्लीन, आपको छोड़ना ही नहीं है, मैं भी अभी थोड़ी देर में क्लीन ही कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले दो नंबर, फिर नीचे जीरो, फिर उसके बाद एक नंबर। ठीक है, ध्यान रखना जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो इधर भी मैंने पूरा एक फिंगर ही मारी है, इधर भी देखो मैंने फिंगर रख के दिखाया आपको। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जीरो, हल्का हल्का, देखो जीरो कितना मानना है, देखो दिखा रहा हूँ मैं कंघी से, इतना मानना है बस खाली। ठीक है, इससे नन्ना इतना ही मानना है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर, हल्का फुल्का ऊपर लेना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेना, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये नहीं कि इससे मिक्स हो जाएगा, इससे हमें हल्का सा हमारी जगह बनेगी, स्पेस बनेगा, क्या होगा इससे हमारा बाल हल्के हल्के मिल जाएंगे, जीरो को हल्का हल्का मिलाएगा। देखो कितना मार रहा हूँ, ठीक है, इतना ही आपको मारते हुए चलना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप ऊपर ले गए तो आपका कटिंग 100% ख़राब तो नहीं होगी, मगर हाई फेड हो जाएगा, जिसको आपको मिलाने में फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपका टाइम और वक्त पूरा ख़राब हो जाएगा, और आपकी कटिंग में भी इतना मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, वो थोड़ा हाई फेड हो जाएगा, थोड़ा मिड फेड में आप समझ लो, लो तो नहीं कह सकते, मगर मिड फेड तो ये है पक्का। ठीक है, तो देख लो आप जितना मैं मार रहा हूँ ट्रिमर बड़ा वाला,
बड़ा वाला ट्रिमर का बिल्कुल जीरो मार रहा हूँ, हल्का हल्का ही मार रहा हूँ यार, देख सकते हो आप कितना मार रहा हूँ, सिर्फ मिक्स करने के लिए, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का चलाना है, ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी मत ले जाना है यार, ऊपर ले जाऊँगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, मज़ा नहीं आएगा कटिंग में बिल्कुल भी, अच्छी नहीं लगेगी कटिंग, ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँगा तो, हल्का हल्का ही मारते हुए चलना है आपको भी, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, बहुत ईजी यार, बहुत आसान है, मैं बहुत आपको अच्छे से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से पता एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ। देखो अब क्या करा मैंने, साइड वाला ट्रिगर नीचे कर लिया 0.5, ठीक है, सबसे पहले जीरो मारा फिर 0.5, अब देखो 0.5 को कैसे मिक्स करना है, ऐसा आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन खींच के भी कर सकते हैं जैसे मैं बताता हूँ, मगर हमें क्या है ना स्पेस जहाँ नहीं मिलता मैं वहाँ से स्क्रीन थोड़ी होल्ड करके ऊपर को खींचता हूँ, बाकी जहाँ मेरा स्पेस है मुझे जगह लगती है काफ़ी है तो मैं वहाँ ज़्यादा स्क्रीन को नहीं खींचता, ठीक है। अब आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 0.5, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, वही बार बार बताता रहता हूँ, जहाँ आपको लगे ट्रिमर, जहाँ से हम जैसे मैंने यहाँ जीरो मारी तो जीरो मारने के बाद मैं वहीं से ही ऊपर को ट्रिमर उठा दूँगा, ठीक है, वहीं से ऊपर ट्रिमर उठाऊँगा तो हमारे बाल अच्छे से मिल जाएंगे, कोई हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अच्छे से हमारे बाल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, इधर भी हम दोनों साइड बराबर रखते हुए चलेंगे, देखो इधर भी हल्का हल्का मारना है ऊपर, देखो मेरी ट्रिमर पर आप ध्यान दिया करो, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाता यार, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वही प्रॉब्लम होगी बार बार, वही प्रॉब्लम कि आप बालों को मिलाओगे वो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, बार बार आपको बाल वही ख़राब होते चले जाएंगे, ऊपर जहाँ चढ़ेंगे वहीं आप फिर परेशान हो जाऊँगा, आप सोचोगे इधर के बाल ऊंचे एक तरफ के ऊंचे रह जाएंगे एक तरफ के नीचे रह जाएंगे, उसको फिर मिक्स करने में यही प्रॉब्लम होगी। तो ट्रिमर को वहीं से उठाने की कोशिश करो जहाँ से हम बालों को मिला रहा है, देख रहा हूँ आप ट्रिमर में वहीं से ऊपर को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बार बार दिखा रहा हूँ, ट्रिमर देखो वहीं से ऊपर उठा दी जहाँ से मुझे मिक्स कर रहा है, देखो मैं बिल्कुल भी मेरी ट्रिमर जरा सी भी ऊपर नहीं जा रही, आप देख भी रहे होंगे ट्रिमर बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही है, वहीं से वहीं मिक्स कर रहा हूँ मैं बालों को, जैसे मैंने जीरो मारी ना हल्की हल्की, ऐसे ही मैंने 0.5 हल्की हल्की मारी है, वो चीज़ समझना, जैसे मैंने जीरो में दिखाया था ना आपको, ये बताया था कि हाँ भाई अब देखो मैं जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा था आप पहले ही जीरो कर सकते हो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हाँ भाई बाद में करना है, मैं तो थोड़ा सा वैसे ही मज़े के लिए मैंने छोड़ दिए थे, बाकी आप भी ऐसे ही पहले ही जीरो कर सकते हो, चाहे तो बाद में भी कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा है तो जैसा मन करे वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पूरा अच्छे से जीरो मार लूँगा, ठीक है, नीचे नीचे बहुत अच्छे से जीरो मारनी है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं जीरो मार चुका था तो मुझे ऊपर तक जाने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मैंने जीरो पहले मारी थी अब तक, अब भी मुझे वहीं तक ही मारनी है अब भी जीरो, ठीक है, तो मुझे अच्छे से जीरो मारनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी बाल मेरा बड़ा या छोटा ना रह जाए नीचे की तरफ, अन्य एक भी बाल बड़ा रहेगा तो गंदा ही दिखेगा, आपको पता है जीरो में एक भी बाल बड़ा रह जाता है या कहीं भी जरा सा ही पैच दिखता है तो वो गंदा लगता है। अभी देखना आप साइडों में जो पैच दिख रहा है ना हल्के हल्के कटिंग के, या जो मैंने ट्रिमर मारी थी उसके पैच दिख रहा है, वो भी पूरा मैं क्लीन करूँगा अच्छे से, आज आपको बिल्कुल एक तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप नन्नी सी नन्नी बारीक से बारीक जो पैच होता है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखो ये हल्की सी लाइन दिख रही है, अब मैंने क्या काम करा, बड़ी वाली जीरो हल्का से स्किन को होल्ड करा और हल्का हल्का वहीं मारना है, बस हल्का सा जहाँ से हमें दिख रहा है ना पैच है, बस वहीं हल्का सा ट्रिमर को मारना है, वहीं जमा के हल्का सा और वहीं से वहीं मिलाने की कोशिश करो, ऊपर को उठा दो वहीं से, देखो ख़त्म, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो दिख रहा था ख़त्म हो गया बिल्कुल, दिखना बंद, देखो मिल गया। अब इधर आ जाओ हल्का सा, इधर भी ऐसे ही करना है हमें, ठीक है, 0.5 या जो भी आपको लगे उसके हिसाब से, मैंने देखो ये 0.5 कर दिया था, ठीक है 0.5 ध्यान रखना, 0.5 हल्का हल्का मारने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी वो लाइन नहीं दिख रही, देखो यहाँ हल्का सा डार्क दिख रहा है, मैं डार्क इससे भी कर सकता हूँ और आपको सीजर से भी करके दिखाऊंगा मैं, देखो तीन चीज़ से जो डार्क दिखता है ना, आप कहीं कहीं क्या होता है डार्क दिखता है, लाइन शो करती है, तो मैं डार्क चीज़ में एक तो थिनिंग सीजर जो दांतों वाली सीजर है उससे भी हटा सकता हूँ, नॉर्मल सीजर होती है उस चीज़ से भी मैं हटा सकता हूँ, और आपका ट्रिमर से भी मैं वो डार्कपन निकाल सकता हूँ, ट्रिमर के एक कोने से निकाल सकता हूँ, ट्रिमर का क्या होता है कोना यूज़ करना पड़ता है उसके लिए हमें, तो मैं उस ट्रिमर के कोने से भी वो चीज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ पर आपको बस ध्यान देना है मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो इधर भी वही चीज़ दिखाने वाला आपको, जैसे हल्के फुल्के पैचेस दिख रहा होगा आपको, देखो कटिंग में ये हल्का सा पैचेस दिख रहा था आपको, वीडियो में तो आपको कम दिखेगा मगर वैसे ज़्यादा दिख रहा था, तो देखो हल्का सा मैंने क्या काम करा, पूरा जीरो हल्का सा वहीं से वहीं मारना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस जहाँ दिख रहा है ना वहीं से वहीं को ट्रिमर को उठाना है, बार बार बोल रहा हूँ वहीं से वहीं उठाना है ट्रिमर, जरा सा भी ऊपर गई ध्यान से चलाना है, झटके लेते हुए ट्रिमर को नहीं चलाना, अगर ट्रिमर झटके लेते हुए चलेगी तो हमारे बाल क्या होगा ऊपर की तरफ को चढ़ जाएंगे, फिर वही दिक्कत मिलाने में प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। देखो ये बाल हल्के हल्के डार्क दिख रहा होगा आपको, तो मैंने 0.5 हल्का सा ऊपर की तरफ को जो ले जाएगा, बाकी पैचेज जो हमारे हल्के फुल्के आपको दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, वो आप देखो मैं कैसे निकालने वाला हूँ। सबसे पहले थिनिंग सीजर, अब क्या था ना मेरे पास ज़्यादा बारीक कटिंग कॉम नहीं थी तो उसकी वजह से मुझे ये निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बारीक कटिंग कॉम होनी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, मेरे पास वाइट वाली बारीक कॉम थी
मगर वो पता नहीं मिल गई, तो अब मैं दूसरी लेकर आऊँगा, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या काम करा, हल्का हल्का ये हल्के हल्के मारे, और उसके बाद मैंने ऊपर के बाल हल्के हल्के इससे ही कट कर दिए थे, जो मुझे हल्के से अनमिक्स लग रहे थे, मिक्स नहीं हुए थे, तो मैंने हल्के हल्के मार दिए थे। अभी मैं यार ट्रिमर से साइड वाले जो है, आज मैं ट्रिमर से मिक्स करने वाला हूँ। इधर सीज़र बहुत ही कम मारूंगा लास्ट में, वो भी हल्की फुल्की, ठीक है। देखो अब ये देखो हल्के से पैच दिख रहा है आपके डार्क डार्क, ये देखो मैं कैसे मारूँ। सीज़र बिल्कुल खड़ी चलानी है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, सीज़र खड़ी वहाँ चलानी है जहाँ हमारे बालों का रुख देखना है किधर को है। बालों का रुख नीचे को है तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ को चलानी है, ठीक है। जहाँ बालों का रुख जैसे ऊपर से नीचे को आता है ना, नीचे से आप खड़ी सीज़र चलाऊंगे ना, सिर्फ वही बाल कटेगा जो आपको काटने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मुझे जो आपको बाल काटना है आपको सिर्फ वहीं पे ही चलानी है, ऐसे नहीं कि कहीं भी मार दी। जहाँ आपको डार्क दिख रहा है ना हल्का हल्का, वहीं खड़ी सीज़र चलाते हुए काट कट कर दो हल्के हल्के बाल, नहीं 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 जैसे एक 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 कट कर सकते हो आप, तो वहाँ से वो जो डार्कपन है ना वो एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो थिनिंग सीज़र वो ऑलरेडी आराम से अच्छे से वो काम कर ही जाती है। अब मैं क्या करूँगा, हल्का सा ये देख लूँगा कि हाँ भाई कोई पैचेज वगैरह जो होता तो हल्की हल्की मैं वैसे सीज़र भी मार दूँगा कटिंग कॉम के साथ, ठीक है। इधर भी देखो हल्के हल्के पैचेज दिख रहा होगा आपको, तो मैं वही खड़ी सीज़र ही चलाने वाला हूँ। इससे नॉर्मली हमारे छोटे छोटे पैचेज होते हैं बालों में जो डार्क दिखता है ना एकदम से, कहीं कहीं दिखता होगा, आप भी देखते होंगे कि कटिंग कर दी तो कहीं कहीं छोटा मोटा गड्ढा है ना सिर का, स्किन के अंदर गड्ढा सा दिखता है, तो उसके अंदर ज़्यादा काला काला सा रह जाता है, बाल रह जाते हैं, तो वहाँ डार्क ज़्यादा दिखता है, तो उसको आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे मैं निकाल लूँ। अगर ज़्यादा है तो थिनिंग सीजर से निकालने की कोशिश करो, थिनिंग सीजर जो दांतों वाली है उससे अच्छे से बहुत हो जाता है। अब मैं साइड वाले देखो ऊपर के ट्रिमर से ही कट करने वाला हूँ, सीजर बस नॉर्मली हल्का सा लास्ट में चलाऊँगा। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रिमर से यूज करूँ, क्योंकि मैं ट्रिमर पहले तो यूज करता नहीं था, मगर अब कभी कभी मैं ट्रिमर यूज करने लगा तो मैं अच्छे से वर्क करने लगा हूँ ट्रिमर से। पहले मैं ट्रिमर बहुत सोच समझ के चलाता था, मैं चलाता ही नहीं था यार, मन भी नहीं करता था मेरा सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मुझे सीजर से ही काम करना ज़्यादा पसंद है, मैं ट्रिमर से ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करता। मगर आपको बताने के लिए सिखाने के लिए मैंने ट्रिमर से भी सीख लिया, हाँ भाई चलो ट्रिमर से भी वर्क करना ज़रूरी है, अच्छे से पता चलना चाहिए सबको अच्छे से। अब मैंने देखो ये चीज़ समझो, मैंने सबसे पहले ऊपर से देखो ट्रिमर से मिक्स करे, फिर मैंने क्या काम करा, एक नंबर लगा के उसे 0.5 करके हल्का हल्का मार दिया। ये टेक्निक होती है छोटी छोटी, क्या होता है इनमें हमारे जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे, एक आध छोटा बड़ा बाल होता है तो वो कट जाता है, वहीं से वहीं ट्रिमर को उठाओ आप। जहाँ पहले मैंने एक नंबर मारी या डेढ़ नंबर मारी, जहाँ मैंने एक मारी वहीं पर हल्की सी डेढ़ नंबर मार दो, जैसे आपको दिख रहा है बाल उसके अकॉर्डिंग ही चलाओ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप बार बार एक ही जगह ट्रिमर जहाँ आपको दिख रहा है ना एक नंबर मार दी, अगर आपको डार्क दिख रहा है या लग रहा है बाल थोड़े बहुत ऊंचे नीचे, तो आप अच्छे से वहाँ ट्रिमर घुमाओगे ना तो आपके बाल अच्छे से ही मिक्स हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बालों को मिक्स करने में, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। देखो मैं ट्रिमर से कैसे मिक्स कर रहा हूँ, मैं यार नॉर्मली मैं तो फास्ट करने भी लगा ट्रिमर से, पहले तो मैं बहुत हल्के हल्के ट्रिमर चलाता था, ज़्यादा फास्ट चलाता ही नहीं था, क्योंकि पहले तो मैं भी ऐसे समझ लो आपकी तरह सीख ही रहा था, ट्रिमर से ज़्यादा वर्क नहीं करता था, मगर अब तो सही है कर लेता हूँ अच्छा खासा, और आपको भी बता सकता हूँ सिखा सकता हूँ अच्छे से यहाँ भी यूज कैसे करनी है ट्रिमर। नॉर्मली आप देख ही रहा होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसी आप कर सकते हैं। क्या होता है ट्रिमर कभी भी चलानी होती है ना साइड से चलानी होती है, देख रहा हो कटिंग कॉम के, जैसे मैंने कटिंग कॉम में बाल लिए तो मैं ट्रिमर क्या कर रहा हूँ साइड से चला रहा हूँ, ऐसे जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे देखो पूरा बैक के बाल पूरे देखो हल्के हल्के कट करते हुए, जैसे मैं सीजर से बताता हूँ पहले हल्के हल्के कट करते हुए ऊपर तक सारे बालों को कट कर दूंगा, धीरे धीरे कट करता हुआ जाऊंगा ऊपर की तरफ को, फिर उसके बाद नीचे के बाल मिक्स करूंगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले ऊपर के बाल हल्के हल्के कट करो, फिर उसके बाद नीचे के बालों को अच्छे से मिक्स कर लो साइड हो गए, जो हमें लग रहा है ना कहाँ हल्का हल्का बाल ज़्यादा है, जैसे लाइन जो क्रिएट होती है ना लाइन जो क्रिएट होती है साइडों में, आपको दिखता है कि हाँ भाई ये लाइन अलग से दिख रही है, तो वो लाइन हमें ख़त्म करनी ज़रूरी है, वो लाइन ख़त्म करो सबसे पहले, ठीक है। देखो अब मुझे हल्की हल्की लाइन दिख रही थी और ट्रिमर से मैंने मारी, मगर फिर भी हल्का फुल्का वो चीज़ मुझे लास्ट तक मुझे लगता रहेगा हाँ यार हल्की सी सीजर चलाने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि आप ट्रिमर भी चलाते हो ना अच्छे से, आप ट्रिमर से वर्क कर सकते हो तो भी हल्का फुल्का अपना सीजर चला के कटिंग कॉम के साथ सीजर से देख लो हाँ भाई कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि यार ट्रिमर का हाथ का और सीजर से थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है। वैसे तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, मगर नॉर्मली आप देखना मैं कितनी सीजर चलाने वाला हूँ लास्ट में, तो मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगा, नॉर्मली मैंने अच्छे ट्रिमर से पूरा मिक्स कर दिया था। जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है, देखो यार बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप ध्यान दोगे ना तो अच्छे से आप भी कर सकते हो। मैंने देखो पूरा एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, अब फिर भी आपकी समझ नहीं आता तो फिर तो यार बहुत गलत है कि मतलब आप समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी समझना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे ट्रिमर चला रहा हूँ, कैसे सीजर चला रहा हूँ। मेरी बातों पे ध्यान दो, मगर बातों से ज़्यादा मेरे काम पे ध्यान दो कि मैं वर्क कैसे कर रहा हूँ, मैं कब सीजर चला रहा हूँ, कब कटिंग कॉम चला रहा हूँ, बालों को ट्रिमर को कितना ऊपर तक मार रहा हूँ, कितना नीचे तक मार रहा हूँ,
ट्रिमर में साइड में मेरे बाल कैसे, कस्टमर के क्लाइंट के बाल कैसे, मैं कैसे बालों में वर्क कैसे कर रहा हूँ, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दो। ठीक है, आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि बाल कैसे है कस्टमर के। स्ट्रेट बाल है, पूरा नीचे को टेक्चर है इनके बालों का, तो इनके बालों में क्या है मिक्सिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के खड़े बाल है ना यार, अभी तक देखो मैंने खड़े बालों की जगह साइड में आपने देखा होगा खड़े खड़े बाल होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक आध वीडियो बना रखी होगी, ऐसी बात तो नहीं, मगर मैं उसके ऊपर भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, बताऊँगा एक दिन क्या जल्दी कोई आता है कस्टमर तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के डालूंगा कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो छोटे या बड़े, मगर किसी के साइड के वो होते हैं ना, क्या होता है बिल्कुल खड़े खड़े होते हैं, तो उसमें मैं ऑप्शन बताऊंगा आप ट्रिमर को किस तरीके से यूज करते हुए बालों को एक टेक्चर या लेवल कैसे देना होगा। ठीक है, अब आप ये देखो, सबसे पहले मैं कट कैसे मार रहा हूँ साइड में, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रिमर चला दी। ठीक है, और देखो कट दे दिया, ये थोड़ा अंदर तक जाने वाला है कट, तो इसी वजह से देखो हल्का हल्का ट्रिमर आप देख रहे होंगे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको यूज कर लेनी है। हल्का सा कोना ही यूज करना होता है यार ट्रिमर का, बीच में से कभी ट्रिमर यूज नहीं होती, कोने पे से ही होती है। अब मैं रेजर हल्का सा इसलिए चला रहा हूँ इधर खड़े के ना, नीचे से ऊपर की तरफ को इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि जो मेरा कट है ना उसमें एकदम नीटनेस आए। ऑलरेडी मैंने नीचे जीरो मारी है, जीरो पे आपको पता ही है हम रेजर मारते हैं तो इतना क्लियरिटी से और इतना अच्छे से दिख नहीं पाता, तो मैंने नीचे से मारा तो उससे क्या होता है अच्छे से पूरे बाल एकदम जड़ से निकलते हैं, तो एकदम देखो लाइन भी सो रही है साइड वाली। इधर देखो कैसे मारना है रेजर, सबसे पहले मैंने ऐसे मार लिया, मगर मुझे ऐसे मारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने पूरा हाथ घुमा दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, अब मैंने ऐसे मारा और पीछे का जो कोना है ब्लेड का, रेजर का जो पीछे का कोना, इससे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हल्का हल्का कट करता हुआ जाऊँगा, ऐसे नहीं कि पूरा एक साइड काट दूँगा, हल्का हल्का कट कर लूँगा। ठीक है, इधर भी हल्का सा रेजर मार दूँगा, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आपको मार लेना है, बस बहुत आसान है। अब देखो ये हल्का सा गैप आपको दिख रहा है कटिंग कॉम के अंदर, सारे बाल आगे करे मैंने। नॉर्मली वो टेक्निक तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ जो मैं पीछे से आगे की तरफ को, मगर ये टेक्निक मैं बताता हूँ आपको कहाँ काम आती है। ये टेक्निक वहाँ काम आती है जहाँ हमें बाल को खड़ा करना होता है ना, दोनों साइड से ऊपर की तरफ को खड़ा करना होता है, टू साइड हेयर कट करना होता है छोटे बालों में। बल्कि ये जो छोटे बाल है ना, आपने देखा होगा जैसे मान लो बहुत के मतलब अच्छे से जिसके आपने देखा होगा बहुत खड़े रहते हैं, बिल्कुल बाल स्ट्रेट खड़े करो रहते हैं लड़के आजकल के। ठीक है, तो उस टाइप के बाल कट करने के लिए टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है। इससे क्या होता है, आप बिल्कुल फिंगर से लेते हुए कट करते हुए जाओगे ना, पहली बार तो इससे बेस रेडी होता है। ये जो मैं बीच के काट रहा हूँ ना, सबसे पहले इसे बोलते हैं बेस रेडी करना। बेस रेडी क्या होता है कि मैं इसे बीच वालों को काट दूंगा तो उसके बाद में जो वर्क करने वाला हूँ पूरा, इन जो मैंने बाल काटे हैं ना बीच वाले, इन पे ही मैं पूरे बाल कट करने वाला हूँ साइड हो गए, साइड से लेके ऊपर तक के। अब मैंने देखो ये सारे बाल आगे कर दिए, सब मिक्स हो गए, मगर अब जो देखना, जो मैंने बीच वाले बाल काटे थे ना बीच वाले अलग ही बड़े दिखेंगे। ठीक है, जो मैंने बीच के बाल काटे थे ना वो छोटे हो जाए, छोटे हो चुके हैं बाल, तो मैं अब क्या करूँगा उनके ही अकॉर्डिंग सारे बालों को कट करता चला जाऊँगा। जो बीच के देख, अभी देखना ये देखो, ये दिख रहा आपको गैप, ये वे बाल है जो मैंने बीच में से अभी लाइन बना के काटे थे, तो इन के अकॉर्डिंग ही मैं सारे बाल कट करता चला जाऊँगा। ठीक है, बहुत आसान टेक्निक है यार, बहुत आसान, आपको बस समझना है। ठीक है, देखो यही वर्क, वही हाथों क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है, बस हाथों का ध्यान रखना है, बिल्कुल फिंगर जो होने चाहिए हमारे ऊपर की तरफ को स्ट्रेट होने चाहिए। अब दोबारा दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने बाल काटे थे, जो बीच वाली लाइन बनी थी सबसे पहले मैंने बाल काटे, देखो आपको बीच को कटे दिख रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पर बालों को कट करते हुए चला जाना है। इनके बाल तो मैं काफ़ी बड़े रख रहा हूँ क्योंकि भैया तो ज़्यादा छोटे कराने नहीं थे, इन्हें बड़े ही रखने थे। अगर किसी को छोटे कराने हैं तो उसमें आप ये ट्राई करके देखना यार, बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छे से पूरे आपके बाल खड़े हो जाएंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल आएंगे, दोनों तरफ का आप खड़े करके देखो ना बिल्कुल बराबर आएंगे। हाँ, ये चीज़ है यार, देखो अच्छे से काट पाओगे ना तो ज़रूर बराबर आएंगे, अगर आप अच्छे से नहीं काट पाओगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों तरफ के बड़े या छोटे आ सकते हैं। और मैं कहता हूँ कभी भी बड़े छोटे, यार मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, कभी भी आप ऐसे कट करो दोनों तरफ से बाल उठा के नाप के देखो दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, ये चीज़ भी आप देखो उठा के, ज़रूरी है अच्छे से दोनों तरफ के उठा के देखो बाल बराबर है या नहीं है, छोटे बड़े तो नहीं है, अच्छे से सारे बाल चेक करो। जैसे मैं भी देखो लास्ट में करने वाला हूँ, देखो ये कट कर दिए मैंने सारे बाल, पूरे बाल कट कर दूंगा पहले, सारे बाल कट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा सारे बाल टोटल ही उठा उठा के देखूँगा हल्के फुल्के, जो कोई एक आध बाल बड़ा होगा या छोटा होगा तो कट हो जाएगा, सारे बाल उठा के देखो आगे से पीछे तक। ठीक है, वो ज़रूरी है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे बालों में कहीं बड़े या छोटे या कहीं कोई कमी तो नहीं है। सारे बाल अच्छे से उठा के देखते रहो, चेक करो अच्छे से, उठाओ और चेक करो, कोई दिखता है तो छोटा मोटा तो कट करते चले जाओ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कट करते चले जाना है, जो भी हमारा बाल कोई छोटा बड़ा है दिख रहा हो तो। ठीक है, आपको अगर खड़े करने हैं तो नॉर्मली ये टेक्निक्स आप कर सकते हो, बाकी दूसरी वीडियो में भी बताता ही रहता हूँ कि हाँ भाई आपको जो रखना है, बस नॉर्मल सी बात है, हाथ जो रखना है ऊपर की तरफ को स्ट्रेट ही रखना है जब कट करूँगा, तो उससे आपका क्या है कट एकदम परफेक्टली आ जाएगा।
अगर आपको वन साइड भी करना है तो क्या करना है, फिर भी ऊपर को स्ट्रेट करके ही रखो, बाद में नीचे की तरफ को करो, जिस साइड को रखना है वन साइड उधर को रख करके बालों को पल्ली साइड को करके, जैसे हमें एक तरफ को रखने होते हैं तो एक तरफ से तो हम कट करते नहीं हैं, दूसरी तरफ से हमें कट करके छोड़ देना होता है। जैसे मैं अपनी वीडियो में बताता भी रहता हूँ आपको नॉर्मली, इससे पहली वीडियो आप देख लेना, उसमें बता दूँ काट के मैंने दिखाई भी है कि आपको कैसे टू साइड करने के बाद वन साइड कैसे करने हैं, जिसमें आपका कट भी एकदम परफेक्ट लिया जाएगा। अब मैं ड्रायर क्या कर रहा हूँ, देखो ड्रायर का जो मुँह है वो नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है बिल्कुल भी। आप देखोगे ना, देखो पहले देखो मैं ये कैसे चलाता हूँ रोलर ब्रश, थोड़ा हाथ से मैं घुमाता रहता हूँ, देखो हल्का हल्का हाथ से घुमाते हुए ही चलता हूँ, उससे क्या होता है मेरे बाल एकदम सॉफ्टली पीछे की तरफ को टेक्सचर ले लेते हैं बाल। अगर मैं ऐसे सीधा सीधा चलाऊंगा रोलर तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, घुमाते हुए चलाऊंगा तो सारे बालों को पीछे करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और ड्रायर देखो आप, मेरा बिल्कुल भी ड्रायर क्लाइंट के सर की तरफ को नहीं है, बिल्कुल पीछे की तरफ को है, बिल्कुल ऐसे आप देख भी रहा होंगे, रुक नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ को है। अगर मैं इसे ऊपर से नीचे को चलाऊंगा तो क्या होगा, कस्टमर के हीट लगेगी भाई, कस्टमर का सर जल जाएगा। तो जब भी ड्रायर चलाओ तो कुछ इस तरीके से चलाओ जिससे कस्टमर के सर पे हीट ना लगे, क्योंकि कस्टमर के सर पे हीट लगेगी तो उसका सर जल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बार बार अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ड्रायर को जब भी चलाना है कुछ इस तरीके से चलाना है जिससे क्लाइंट के सर पे हीट ना लगे, ठीक है। और एक चीज़ और देखना, देखो मैं अभी बाल खींचूंगा ना अपनी तरफ को, जब मैं ड्रायर खींच के चलाऊंगा हल्का सा तो उससे क्या होता है बाउंस, जो बालों में कहते हैं ना कि बाल यार चिपक रहा है, एक साइड से चिपक रहा है, बाल उठ नहीं रहा है अच्छे से, तो ये चीज़ देखना। इधर मैं करने वाला हूँ, जैसे मेरे बाल गिरते हैं ना एक तरफ को लगता है कि बाल चिपक रहा है, बालों में बाउंस नहीं आ रहा, तो ये मैं जब ड्रायर मारूंगा तो वही चीज़ देखना। इधर तो हम अच्छे से नॉर्मली हमारे बाउंस अच्छा आ रहा है, इधर के बाल क्या थे, गिर रहे थे, चिपक रहे थे। तो देखो अब मैं ड्रायर से अपनी तरफ को थोड़ा सा खींचूंगा बालों को, जैसे मैं अब कर रहा हूं, ये मैं अच्छे से पहले ड्रायर यूज़ कर रहा हूं, फिर उसके बाद जब मैं ऊपर को करूंगा तो देखो ईजिली कितने अच्छे से ऊपर को बाल खड़े हो जाएंगे। तो जैसे बाल चिपकते हैं ना, तो आप थोड़ा सा खींच के ड्रायर को चलाऊंगा ना अपनी तरफ को, ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके बालों को हल्का हल्का खींच के फिर ऊपर की तरफ को करूँगा, तो ईजिली हमारे बाल पूरे अच्छे से ऊपर की तरफ को खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है बाल बिल्कुल ईजिली ऊपर को टेक्चर ले लेंगे और एकदम बाउंसी लुक आएगा। मैंने इनमें कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ बालों में, क्योंकि बाल काफ़ी बड़े थे और भैया को कुछ लगवाना भी नहीं था, तो नॉर्मली मैंने कुछ लगाया नहीं, अपनी तरफ से भी नहीं लगाया नॉर्मल, बस मैंने ड्रायर मारा और छोड़ दिया, क्योंकि बालों का आपको पता ही है मैंने बस टू साइड करके दिखाया, ऊपर के बाल ज़्यादा छोटे नहीं करने थे तो मैंने इसलिए ज़्यादा छोटे नहीं करे, कस्टमर को छोटे करानी नहीं थे, बस हमने साइड की जो फिनिशिंग है वो चीज़ दिखाई आपको, साइड में आपको कैसे करने हैं, ऊपर के बाल आपको जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, किसी को छोटे चाहिए तो छोटे कर सकते हो, किसी को बड़े चाहिए तो बड़े रख सकते हो, मेन जो है हमारा वो साइड का है। और काटने की जो टेक्निक है वो है जो हम आपको दिखा चुके हैं कि आपको बाल काटने कैसे हैं, ठीक है। मेन पॉइंट तो ये हेयर स्टाइल देखो आप देख ही सकते हो, जब वन पूरा बिल्कुल एक लेवल पर बाल कटेंगे तो एकदम फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और आप साइड में भी देख सकते हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रहा हूँ इसलिए मैं, कि आपको कुछ भी कमी लगती है ना इस वी में तो मुझे भी बताओ यार कि कुछ कमी सर ये प्रॉब्लम लग रही थी आपके कट में, तो मुझे भी अच्छे से पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसे और ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से वर्क करके दिखाऊँगा, ठीक है। और हेयर कट आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हेयर कट अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। आप देख लो, देखो साइड में भी ऊपर की तरफ भी देख सकते हो आप, हाथ मार के दिखा रहा हूँ यार, मैंने कुछ भी नहीं लगाया इनमें, वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं। और सर को हेयर कट बहुत पसंद आया तो सर ने बोला थैंक यू यार, हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है, कस्टमर भी देख रहा है आप कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही इन्होंने इतना जीरो करवाया था, और मैंने अपनी तरफ से ही करा था, मैंने कहा सर आपका जीरो कर देता हूँ बैक पर भी रख के, ठीक है। तो इसलिए सर को भी